कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक फैमिली गेट टुगेदर थी हमारी। हम लोग आउटसाइड निकले हैं, काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि जाते हैं, बाहर जाते हैं। यही मतलब दिल में था कि थोड़ा मौसम अच्छा हो तो कहीं जाने आने का प्रोग्राम बने तो फिर ही जाएं, लेकिन कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा था। कभी तो स्विमिंग पूल वगैरह पर जाने का सोचा, लेकिन इतने ज़्यादा उनके रेट्स हाई हैं और कुछ इतनी हब्स और गर्मी का मौसम है कि बस बाहर निकलने का आप जस्ट सोच ही सकते हैं, उसको उस पर ना अमल दरामद नहीं कर सकते। तो बस आज शाम थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ तो हम लोगों ने ना फैमिली गेट टुगेदर रख ली। एक्चुअली जो मोहसिन के चाइना वाले भाई आए हुए हैं ना, हसन, उनके बेटा हुआ माशाल्लाह से, वो चाइना से आए भी इसी लिए थे बेटा देखने के लिए। तो बस उनकी तरफ हमारी एक ट्रीट रहती थी। और मज़े की बात ये थी कि हमें इंसिस्ट भी नहीं करना पड़ा उन्हें ट्रीट के लिए, वरना तो ट्रीट लेने का मज़ा भी ऐसे ही आता है कि इंसिस्ट कर कर के ली जाए। उन्होंने खुद ही कह दिया कि चलो बच्चों को ना लेके चलते हैं, वहाँ पे प्ले एरिया भी है और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे और हमारी भी एक गेट टुगेदर हो जाएगी, फैमिली गेट टुगेदर। मैं पहले भी यहाँ आई हुई हूँ, लास्ट टाइम मैं जब लास्ट ईयर आई थी पाकिस्तान तो तब मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना यहाँ अपने बेटे की बर्थडे की थी, तो मुझे भी इनका माहौल और खाना वगैरह काफ़ी पसंद आया था। तो बस आते ही बच्चे तो प्ले लैंड में ना हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। एक्चुअली रूहान को हम वहाँ भी लेके जाते हैं इस तरह के इंडोर प्ले एरियाज़ में, लेकिन चूंकि वहाँ पे भी अकेला ही होता है तो इसलिए ये ना इंडोर चीज़ों के अंदर नहीं जाता, मतलब जो अंदर कैसल वगैरह बने होते हैं ना वहाँ नहीं जाता। तो यहाँ बच्चों के साथ उसको ना कंपनी मिल गई थी। ये वाला बेटा है माशाल्लाह से, ये मेरी देवरानी है और ये उनका बेटा है कासिम, इसका नाम है। और इसकी ना आज हम लोग कह लें कि सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं। ये कासिम है, ये मोहम्मद अयान है, ये हमारे छोटे से गोलू बोलू है, पार्टी हो रही है। यहाँ पे पार्टी हो रही है। चलो आप एक फोटो। ये दूसरा बेबी है माशाल्लाह से, इसका नाम मोहम्मद अयान है और ये सबसे छोटा भाई जो है ना उसका बेटा है। और ये दोनों बेबीज जो है ना वो एक दूसरे से आई थिंक 5 डेज छोटे हैं, मतलब मोहम्मद अयान बड़ा है और ये कासिम जो है ये छोटा है। तो बड़ी फनी सिचुएशन हुई, मतलब जो ड्यू डेट दी थी ना डॉक्टर ने तो उसी हिसाब से हसन भाई ने आना था चाइना से बेबी देखने के लिए, और भाई अभी चाइना ही थे और अनएक्सपेक्टेडली बेटा जो है वो दुनिया में आ गया। और हमने ना काफ़ी ऐसे फन किया कि उसने आपका वेट ही नहीं किया, आप चाइना से नहीं आए और वो दुनिया में आ गया। तो बस आज ना उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे जमा हुए थे और ना काफ़ी इंजॉय कर रहे थे बच्चे भी और बड़े भी। बच्चों को जब एक दूसरे की कंपनी होती है ना तो जहाँ पे बहुत सारी अच्छी आते हैं और बहुत सारी बुरी आते सीखते हैं, वहाँ बच्चों में ना कॉन्फिडेंस भी आता है एक दूसरे को देखने से। जो यहाँ के बच्चे हैं, मतलब जो पाकिस्तानी हमारी फैमिली के बच्चे हैं, वो सारे ही मतलब हर तरह की चीज़ें ले रहे थे, लेकिन रूहान जो है ना वो फर्स्ट टाइम इस तरह इंडोर गया है। एक तो वजह यह है कि वहाँ इसके साथ कोई बच्चा नहीं होता खेलने वाला, तो इसलिए हम तो बस वहाँ पर इसको लेके जाते हैं और बाहर ही बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना इसके साथ कंपनी थी तो ये भी इनसाइड गया, वरना तो ना तंग जगहों से काफी घबराता है। और यहाँ पे ना हम लोग नाकाम कोशिश कर रहे थे बच्चों की एक ग्रुप फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे जो कि बिल्कुल नहीं ली जा रही थी। दो तीन बच्चों को हम एक जगह से एक जगह पे इकट्ठा करते थे तो एक दो बीच में से खिसक जाते थे, किसी को बलून की पड़ जाती थी और कोई किस तरफ और कोई किस तरफ से। तो फिर मैंने इनको इकट्ठा किया, मैंने कहा चलो तीनों भाइयों की एक फोटो लेते हैं, तो कह रहे हैं हाँ चलो ठीक है, जो फैमिली का हमारा ग्रुप है ना उसकी भी डीपी चेंज हो जाएगी तो चलो हम लोग ना एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। हम लोग भी अपनी लेडीज जो थी उन्होंने भी ली थी और भी पिक्चर्स वगैरह बनाई और काफ़ी मज़ा आया। और मज़े की बात ये थी कि मोहसिन के साथ हमारा ये वाला गेट टुगेदर जो है ना वो फर्स्ट टाइम हुआ था, मतलब पहले भी एक दो बार मैं पाकिस्तान आई हुई थी तो फैमिली के साथ बाहर आना जाना हुआ, तो मैं इनको ना हर बार वहाँ जाके बताती थी कि जितनी मज़े की मतलब हमारे टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से पाकिस्तान में चीज़ें मिलती हैं ना वो इधर दुबई में नहीं मिलती, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल होता है, मतलब सब तरह की कम्युनिटी के लोग खा सकते हैं उसको। लेकिन पाकिस्तान में जो पिज्ज़ाज वगैरह मिलते हैं ना वो पाकिस्तानी टेस्ट के हिसाब से मिलते हैं, उसकी वेरिएशन तो टोटली डिफरेंट होती है। तो बस इसी वजह से फिर प्लान किया कि इसी जगह पे जाते हैं, और मोहसिन को भी वाकई काफ़ी मज़ा आया। रूहान तो थक हार के एक जगह पे बैठ गया था और जो खाने का हमने ऑर्डर दिया था इतने में वो भी आ गया और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। हम लोगों ने भी वैसे तो यहाँ पे ना चीज़ी
चीजी बाइट्स है जहाँ पे हम लोग आए हैं। चीजियस भी है इधर साहिवाल में, लेकिन कह रहे वहाँ ना प्ले एरिया जो है थोड़ा बच्चों का तंग सा है, इसलिए हम लोग उधर नहीं गए। लेकिन इधर का माहौल जो है ना वो काफी अच्छा है। ये वाले बर्गर्स हमने ऑर्डर किए थे, चिकन स्टेक के बने हुए थे और काफी यमी थे। रोहान ने इतना कुछ खास नहीं खाया, मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि इसका पेट खराब हो गया, हमने इसको बाहर से पानी पिला दिया, तो इसलिए बस थोड़ा बहुत ही ना ये खा रहा था, इंजॉय कर रहा था। शाम के टाइम ही हम डॉक्टर से इसे लेके आए थे, तो फिर हमने सोचा कि प्रोग्राम ना पोस्टपोन नहीं करते, चले जाते हैं। लेकिन इसकी तबीयत जो है ना वो अभी नासाजी थी। यहाँ पे मैं सबको कह रही थी चलो खाना शुरू करो, मैं वीडियो बनाती हूँ, जैसे शादियों पे वीडियो बनती है ना सबके खाना खाने की, तो मैं वो वाला क्लिप लूँगी। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे हमारी गपशप चल रही थी, तो बस यहाँ पे ना कुछ मूवमेंट्स जो थे वो फनी वाले कैप्चर किए हुए हैं मैंने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली ये छोटा सा गेट टुगेदर आपने भी इंजॉय किया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छा खाना खाने की जगह के बारे में मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।